अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि समद को अभी नहीं पता। पता है मैं क्यों खुश हूँ? नहीं, आपने बताया ही नहीं। मैंने अभी समद को बताने नहीं है, क्योंकि आज इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ पड़ा दोस्तों? इनको चारा किसने डाल दिया? मामू ने। आए दोस्तों, हमारे आने से पहले ना मामू ने सबको डाइट भी डाल दी है, खाना पीना भी करवा दिया। ये देखो, ये चारा सारा ना कबूतर खा रहे हैं बकरियों का। रात से दोस्तों जिमी ने आम खाना स्टार्ट किए हैं, अभी तक आम खाई जा रहा है। मुंह देखा तूने अपना, पीला पीला हो गया बिल्कुल। ये देखो सारी गठले पड़ी हैं, 1 2 3 4। हटो, आगे से हटो ना। तीन पड़े। वो देखो तीन उधर पड़ी हैं, इतने सारे आम। इतने पसंद थे इसको मुझे तो, अब पता लगा। मैं समझा मुझे आम पसंद है, आपको पसंद, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जिमी को कितना पसंद है। जिमी को सारे पसंद है। जो मिनी फौज के सिपाही हमें गिफ्ट आए थे ना, उनको हमने अलहदा बंद किया हुआ है। वो देखो, वो किसी पैरट को भी नहीं खाने देते, इतना पैरट को मारते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इसी वजह से ना इस केज में रखा है। मैं इनको खोलने वाला हूँ। कैसी गुजरी है रात? सुपर केज अच्छा लगा कि नहीं लगा तुम्हें? इनको भूख लगी है ना, बिल्कुल कुछ खाया नहीं हुआ इन्होंने। यस, भागो 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 भागो। तुम्हें क्या हो गया चाइना डब? ओहो, इसको कुछ हो गया यार, इसके ना पाँव पे किस चीज़ ने काटा है। किसने काटा तुम्हें? शायद टैंगो मैंगो ने ना इसको काटा हो। जैसे ही दोस्तों मैंने मिनी फौज के सिपाहियों को खोला है ना, पैरट सारे उड़ के ऊपर चले गए हैं सारे के सारे, क्योंकि मिनी फौज के सिपाही ना हर किसी के साथ लड़ाई करते हैं। जितना दोस्तों आज मैं खुश हूँ ना, उतना हमारा शहजादा भी खुश है। शहजादे ने पार्क खोले हुए हैं। शहजादा तो रोज़ पार्क खोलता है, लेकिन किंग कभी कभी खोलता है। देखो शहजादा बिल्कुल मेरे से डरता भी नहीं है, मैं इसके जितना करीब चला जाऊँ ना, इसने अपने पैर बंद नहीं करने, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो, बंद नहीं करने इसने अपने पैर। हमारा कॉकटेल बड़ी सीटियाँ मारता है, बड़ी सीटियाँ मारता है। आज दोस्तों इतनी खुश हूँ मैं, और खुशी ये आती जा रही है। गुलाब खिल गए हैं, ये देखो ये भी खुश है, इनको पता आज वलीद खुश है। ये देखो ये वाला गुलाब भी लग गया है। ये गुलाब 3 से 4 दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं, नहीं तो हो ही नहीं रहे थे। इतनी खुशी, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या सरप्राइज दे रहे हो, क्या ले? छोटा मोटा सरप्राइज नहीं है। अच्छा? हाँ, बहुत बड़ा है। आप देखना, आप कहोगे यार वाकई इतनी मस्त चीज है, बड़ी पहले थी वैसे हमारे पास। अच्छा, नहीं पता लगा वैसे बोल। मैं थोड़ा थोड़ा समझा, लेकिन समद को दोस्तों मैंने घर भेज दिया है, और हम अब जा रहे हैं सरप्राइज को पिक करने। सरप्राइज को पिक करने मैं और मामू जाएंगे। मामू चले, समद को नहीं बताना, ठीक है? ओके ओके। अभी दोस्तों हम पहुंच गए हैं फिश एक्वेरियम वाली शॉप पे। हाँ, जो सरप्राइज है ना वो यही है बड़ा, हम ले रहे हैं फिश एक्वेरियम, जो समद को सरप्राइज देना है। यहाँ इतनी सारी फिशेज भी हैं, और पहला जो हमारा एक्वेरियम था ना, हमने इसी शॉप से लिया था। चलो दोस्तों अब देखते हैं जो हमारे लिए इरफान भाई ने एक्वेरियम बनाया। क्या हाल है इरफान भाई, ठीक है आप? मामू इरफान भाई से बनवाया आपने एक्वेरियम? अच्छा, एक्वेरियम कौन सा है? मैं इधर उधर देख रहा हूँ। भाई साहब, इतनी सारी फिशेज पहले डाल दी इरफान भाई आपने। हाँ, ये फिशेज मैंने आपको एक सैंपल दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको इतनी मछलियाँ नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, आपको ये सेट दूंगा, और अभी और मजीद इसकी अच्छी सेटिंग करके दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिशेज आपको बाद में दूंगा। मतलब दोस्तों इसकी अभी और भी सेटिंग होना बाकी है, मेरा तो दिल कर रहा है ऐसे कैसे उठा के ना मिनी जू में रख दूं। देखो दोस्तों इसके अंदर कितनी सारी फिशेज हैं, और जो पहले वाला है हमने एक्वेरियम लिया था ना वो बहुत छोटा था, ये इतना बड़ा एक्वेरियम है बड़ा। मामू मस्त बनवाया आपने। देखो दोस्तों नीचे लॉकर भी है, पता नहीं इसमें क्या पड़ा। हाँ अभी न्यू बना, फिलहाल खाली है पड़ा। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा इरफान भाई, कोई आपके पास ऐसी फिश है जो सबसे महंगी और VIP हो, मतलब कॉस्टली जैसे? हाँ एक फिश है मेरे पास। अच्छा, उसे जो है ना मैं मछलियाँ खिलाऊंगा, वो खाएगी बड़े शौक से, देखें। हैं इरफान भाई ना किसी फिश को ना फिश खिलाने वाले हैं। ये देखो, ये देखो, ये क्या, ये तो ऑस्कर फिश है ना? हाँ जी हाँ जी, ये फिशेस खाएगी। ओ भाई, ओ देखो ये क्या हो रहा है भाई, ऑस्कर फिश ना फिशेस खा रही है भाई, ये तो डेंजरस है। मैं तो सोच रहा था ये लूंगा, लेकिन अब मैं नहीं लूंगा। ये देखो अभी ये फिश ऊपर बैठी है ना, ऑस्कर खा जाएगी इसको ये। ओ भाई साहब, ये मैंने पहली दफा देखा इरफान भाई। हाँ बिल्कुल, इसकी खुराक ही फिशेस है। अच्छा आप ये बताएं, अगर हम इसको अपने एक्वेरियम में रखें उस कर को, ये वाली तो खा जाएगी जो घूम रही है। हाँ
ये वेजिटेरियन है ना, शुक्र है इरफान ने भाई ने बता दिया क्योंकि इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं तो हमारी सारी मछलियाँ ना ऑस्कर खा जाती। मैं तो वही लेने वाला था। ऑस्कर के साथ और क्या छोड़ रखा आपने? ये टर्टल है। ये किस किस्म का टर्टल है? ये तो कोई डायनासोर जैसी इसकी स्किन है बड़ी, जरा बाहर तो निकाल के दिखाएं। ये फैंसी है। अच्छा हाँ, और एग्रेसिव भी है। ये भी फिश को खा लेता है, लाइव फिश को। अच्छा हाँ। इसको आप पानी में भी रख सकते हो और पानी के बगैर भी रख सकते हो। बहुत प्यारा। ओह ओह, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? मुझे लगता है दोस्तों दोबारा अपने दोस्त ऑस्कर फिश के पास ये जा रहा है। इसको उठा लूँ ना मैं, इतना भारी भाई। देखो इसकी स्किन के ऊपर ना कांटे बने हुए हैं, जैसे डायनासोर के बने हुए होते हैं। अभी भाई हमने टर्टल नहीं लेना, अभी फिलहाल तो हम एकोरियम ही लेने आए हैं। तो मेरा तो दिल कर रहा है, इतनी सारी फिशेज आ रहा है ना, दो ये वाली, पांच ये वाली, एक ऑस्कर फिश, सॉरी अपने एकोरियम में डाल के ले जाते हैं। ठीक नहीं है मामो? हाँ नहीं नहीं, अभी नहीं लेते, ठीक है ना, आज इसको ले जाते हैं केज को, ठीक है ना, दो दिन तक आएंगे इरफान भाई के पास ना, बल्कि इरफान भाई को कहेंगे कोई अच्छी क्वालिटी वाली जो भी आए ना आपने हमें देनी है। ठीक है, बस ठीक है ठीक है। चलो इरफान भाई आप जाना एकोरियम खाली करें, तो ये फिशेज निकाल लें, बाकी इसको खाली करके दे दें। मुझे तो भाई दिल नहीं कर रहा इसको खाली करने का, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें, ऐसे नहीं जा सकता पूरा का पूरा। इरफान भाई ना इस एकोरियम के अंदर ना पाइप लगाएंगे और सारा का सारा पानी खत्म हो जाएगा, सारा का सारा पानी ना बाहर वाली बाल्टी के अंदर जाएगा, वो उसके अंदर। एकोरियम में दोस्तों पहले फुल पानी था, अब ना सारा का सारा खत्म हो गया। इरफान भाई मछलियाँ मर जाएंगी, और ना निकालो मछलियाँ, कब निकालोगे? अभी निकाल लूंगा ये, जब मतलब इतना छोड़ दूंगा पानी। अच्छा अच्छा, पानी में डिप रहे फिर सारी की सारी मछलियाँ निकाल के आप किधर रखने वाले? पर मैं साथ वाले टाइम में शिफ्ट। बस सही है सही है, हमें तो दोस्तों खाली एकोरियम मिलने वाला है, तो फिर जल्दी से फिशेज भी देनी है आपने, ठीक है ना, आपके जिम्मे। हाँ फिश में इंशाल्लाह अच्छी अच्छी फिश, दो दिन बाद बस ठीक है, दो से तीन दिन लग जाएंगे फिशेज आने में। तुम लोग थोड़ा सा तो वेट करो, अभी निकालते हैं तुम्हें, वेट करो। मेरे हाथ में नहीं आने वाली, मुझे पता है। ये देखो ये वाली दोस्तों गोल्डन जो है ना, ये आ जा, ये वाली मुझे बहुत पसंद है। एक और हम अभी खाली हो जाएगा, फिर हम इसको इजी मिनी जू में ले जाएंगे। अब देखो भाई पूरा का पूरा छाबा आने वाला है फिशिस का, डाल दो डाल दो। नहीं दोस्तों एकोरियम बिल्कुल ना फिशेज और पानी से खाली हो गया, सॉरी फिशेज तो इधर आ गई हैं, सॉरी की सॉरी। इतनी बड़ी प्यारी है ये। इरफान भाई हम इसको ले जाएं, आप तो कंप्लीट है। हाँ इसको आप बिल्कुल ले जाओ। अच्छा। ये ले जा सकते हो आप। कंप्लीट है या नहीं अभी? हाँ कंप्लीट अभी नहीं है, आप ले जाके इसमें सिर्फ पानी भरो और अच्छा। इसको रनिंग में आने दो, ठीक है। इसकी जो डेकोरेशन है और लाइटिंग अच्छी जो है ना, मैं खुद आके करूंगा। तो इरफान भाई बोल रहे हैं आप ना अपना एकोरियम इसी तरह ले जाओ, इसके अंदर डेकोरेशन होगी, लाइट्स लगेंगी और भी झूले वगैरह, उसके बाद फिर फिशेस तो बाद में, पहले डेकोरेशन करेंगे। तो आप फिर जल्दी आना है क्योंकि वेट नहीं हो रहा मेरे से, इंशाल्लाह दो तीन दिनों में। बस ठीक है ठीक है। ये रक्षे वाले भाई हैं और इसी रक्षे पे ना हम अपना पूरा एकोरियम रख के जा रहे हैं, टूटना नहीं चाहिए मैं बता रहा हूँ, इतना मुश्किल यार, इतना दिल से लिया हमने। चलो आज एकोरियम दोस्तों इतना भारी है, हमें इसको उठाने के लिए ना चार बंदों की जरूरत पड़ी है, मामू सौरे लगे पड़े, इरफान भाई। तो बस इसको उठाते हैं और उसके बाद ना इसको लोड करेंगे रक्षे पे। दोस्तों फाइनली शीशा जा रहा है सबसे पहले, और उसके बाद हम ये ट्राली ले जाएंगे। फाइनली तो दोस्तों हमारा एकोरियम का शीशा और इसकी टेबल दोनों रक्षे पे लोड हो गई हैं। ये आ गई इसकी छत। अब जल्दी से दोस्तों मिनी जू में चल के इसके अंदर पानी भर के इसको चलाते हैं। चलो इसको बंद कर दो यार। इरफान भाई अब आपका वेट करेंगे, आपने फिशेज और जो डेकोरेशन हमारे एकोरियम में होगी वो करना है। आप बेफिक्र हो जाओ, ऐसी ऐसी फिश दूंगा कि आप हैरान हो जाओगे। ओ भाई साहब मजा आने वाला है, न्यू फिश। ठीक है भाई, वाला हाफिज। चलो दोस्तों हम अब जल्दी से चलते हैं, बहुत टाइम हो गया हमें शॉप पे आए हुए और फाइनली हमने एकोरियम ले लिया। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ मिनी जू और समझ भी आया होगा अंदर है पड़ा, जिस रिक्शे पे हमारा एकोरियम आ रहा है ना वो भी रस्ते में आने वाला होगा। जल्दी से मैं समझ को जाके बुलाता हूँ। आज फिर तरकीब अंडा देने की सोच रही है, जहाँ मर्जी दिल करे दे दो, मुझे लगता है इधर देगी या इधर देगी, ये गार्डन में अंडे देती है और नीचे सरप्राइज आने वाले। आप अभी तक ऊपर ही खड़े हो, जल्दी करो। कहाँ है यार? रस्ते में है, अभी आया नहीं है, रस्ते में है। सरप्राइज तो ऊपर आएगा ना, मैं नीचे। नहीं नहीं, सरप्राइज नीचे आएगा, वो दोस्तों ऐसी चीज है बड़ी जो ऊपर हम रख ही नहीं सकते धूप में। ये कौन सी चीज है मैं बताता हूँ, जल्दी आओ। पहले वाला एकोरियम दोस्तों जो हमने लिया था ना वो बिल्कुल इतना खास नहीं था, छोटा छोटा था। इस दफा वाला एकोरियम बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी फिशेज भी हम ले आएंगे बाद में। ये देखो
ये क्या ले आए हो? ये एक्वेरियम है और क्या है? ये तो खाली डब्बा है। और यार इसका शीशा इधर पड़ा है ना, इधर मैं आपको जल्दी से दिखाऊं। ये शीशा, इतना बड़ा शीशा पड़ा है, ये देखो। अभी दोस्तों सब मैंने सरप्राइज तो देख लिया है, कैसा लगा? VIP है यार। जब इसके अंदर फिशेज आएंगी, डेकोरेशन होगी, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। बस अब इसको उठाना मुश्किल है, बड़ा सरप्राइज अच्छा है लेकिन इसको उठाना मुश्किल है। उठाना मैं उठाऊं? सरप्राइज भी मुझे दे रहे हो, काम तो करना चाहिए ना दोस्तों। शीशा ये वाला बहुत भारी है, इसी वजह से ना मैं इनकी हेल्प करवा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना सकता, तो अंदर जाके मिलते हैं। चलो भाई, मैं फुल थक गया हूँ और हमारा एक्वेरियम ना अंदर आ चुका है। पहले दोस्तों जब हम एक्वेरियम लाए थे ना, हमने उसको ना गार्डन में रखा था इस जगह पे, तो नीचे मट्टी वाली जगह है, वो खराब हो गया था नीचे से ना, मतलब टूटने लग गया था। इस दफा हमने डिसाइड किया इसको हम इस तरफ रखते हैं, ये जगह बेस्ट है पड़ी। इसके अंदर वाली बजरी दोस्तों हम अलहदा ले आए थे, ये देखो ये बजरी है पड़ी, क्रिस्टल बजरी, मतलब देखो आप इसकी शेड देखो, बिल्कुल बर्फ की तरह, ये हैवी क्वालिटी बजरी है। इसके अंदर पूरी बोरी हम ऐसे गिराने वाले हैं। वैसे थोड़ी सी खा के चेक करो, ठंडी है गर्म है? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ यार, आप खाने लग रहे थे, इसके अंदर डालो। मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई चॉकलेट तोड़ी थी आपने बजरी में दोस्तों? ये देखो ये क्या निकल आया, ये ना समंदर की गुगी नहीं होती, गुगी इसको मैं तो डेकोरेशन के लिए नहीं, ये वो इसको शेल फिश कहते हैं, पता नहीं ऐसे ही कुछ है इसका नाम, पत्थर है फिश का, ये होती शेल फिश दोस्तों, ऐसे ही है, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है। डेकोरेशन है वो बाहर लगेगा ऊपर। दोस्तों आपने बताना है ये डेकोरेशन है या शेल फिश है बड़ी, ये समंदर पे अक्सर पाई जाती है। भाई आप सारी बजरी हम एक साथ डालने वाले हैं, भाई सारी बजरी अंदर जाने वाली है। अरे बकरों को ना ये देखो क्या काम है, इस कैट हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं, यही चारा खाते रहते हैं, खड़े रहते हैं ऊंचाई पे, पसंद इनको खाना ना, कुछ लोग होते हैं ना इस तरह। भाई ये तो पहली दफा देखा ऊंचाई पे इनको खाना पसंद है, ये नीचे उतरते ही नहीं है, पता नहीं लैम्बो से डरते हैं। नहीं लैम्बो तो बंद पड़ा। चलो लैम्बो को खोलें, छोड़ो इनको, खड़े ऊपर ही खड़े रहने दो। अब दोस्तों हम अपने लैम्बो को खोलने वाले हैं। बस दोस्तों इसकी निगाह जो है ना सिर्फ सिम्बे के ऊपर है, पढ़ो पढ़ो देख रहे हो दोस्तों इसको खाने के चक्रों में सिम्बे को। मिनी फोज को ना मैंने सुबह से खोल दिया था, अब मैं मिनी फोज को जल्दी से बंद करता हूँ, क्योंकि पैरट्स हमारे कुछ खा ही नहीं रहे। मिनी फोज ना डरते हैं, सारे पैरट्स एक ऊपर बैठे हैं सारे के सारे। आ जाओ मिनी फोज को चकमा देने का एक तरीका अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो इधर भाग के आएंगे, मैं इनको पकड़ लूंगा। आ जाओ मिनी फौज। और दोस्तों आज का वीडियो भी यही एंड करते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, आज के लिए अल्लाह।